मैया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ, तू है माता हमारी, तू है कल्याण नारी, ईश पिता की दुलारी, ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते ढूंढते नीड वो अपनी मंजिल को पाने तरसते, हम भी हैं माता तेरी शरण में खोजते मंजिल हमारी, ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ, जैसे पुष्पों का राजा दूषित जल में खिलता, जन्मे कमल को कुछ भी कलंक न लगता, वैसे तू माता इस पापी जग में निर्मल सुकोमल अमल, ओ प्यारी माँ मरिया हमारी पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे, उन्होंने पौंतुस पिलातुस उसके शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। ज्योति के भेद, पहला भेद, यर्दन नदी में यीशु का बपतिस्मा।
आइए हम इस भेद में सभी रोगियों के लिए, बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से जो लोग हमारे परिवार में बीमार हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, ICU में हैं, जीवन मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं निरोगियों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए आया हूँ। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी बीमार व्यक्तियों को स्पर्श करें और उन्हें चंगाई का वरदान प्रदान करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग से प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह में यीशु द्वारा चमत्कार। आइए हम इस भेद में सभी पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। कई लोग ईश्वर के असीम प्रेम के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी जीवन में मन परिवर्तन की जरूरत को, पश्चाताप की जरूरत को महसूस नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं रोगियों पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विशेष रूप से अपने प्यार के अनुभव को सारे पापियों को प्रदान करें, ताकि प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए वे प्रभु के पास लौट आ सकें। आइए इस मकसद से इस भेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादे में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरे दया की अधिक आवश्यकता है। ज्योति का तीसरा भेद, यीशु द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा। आइए हम इस भेद में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को नहीं मानते हैं, अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर वचन कहता है विश्वास के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वास का वरदान उन्हें प्रदान करें, ताकि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उसी प्रभु पर वे विश्वास कर सकें। वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमेन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अधिक आवश्यकता है। ज्योति का चौथा भेद, यीशु का रूपांतरण। आइए हम इस भेद में सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आधुनिक युग में जीते वक्त सभी युवक युवतियाँ गलत चीज़ों में, गलत रास्ते पर चलते हुए, गलत संबंधों में अपने जीवन का मकसद ना ढूंढें, बल्कि प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए, प्रभु में अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन के लिए अर्थ ढूँढें। आइए इस मकसद के लिए इस भेद में हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरे दया की अधिक आवश्यकता है। ज्योति का पांचवा भेद, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना। आइए हम इस भेद में, इस रोजरी माला में जो भी भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों को माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के चरणों तले हम लाएं। साथ ही साथ हम अपने परिवार को, परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु के समक्ष लाएं। माता मरिया की मध्यस्थता से प्रभु हमारे निवेदनों को सुने, हमारे जरूरतों को पूर्ण करें और विशेष रूप से इस महामारी से हम सभी को बचाए रखें और जल्द से जल्द इस महामारी का अंत इस संसार से करें। आइए इस मकसद से इस भेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे सुत प्रभु यीशु से अब आमृत्यु के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे सुत प्रभु यीशु से अब आमृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे सुत प्रभु यीशु से अब आमृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे सुत प्रभु यीशु से अब आमृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे पुत्र यीशु से अब मृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए, तेरे सुत प्रभु यीशु से अब आमृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता। कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए,
तेरे सुत प्रभु यीशु से हम मृत्यु के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पवित्र कन्या माता तू विनती करना हमारे लिए तेरे सुत प्रभु यीशु से अब मृत्यु के पल में भी कर तू विनती कर माता कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए तेरे सुत प्रभु यीशु से अब मृत्यु के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए तेरे सुत प्रभु यीशु से अब मृत्यु के पल में भी निरंतर तो विनती कर माता कन्या माता हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पवित्र कन्या माता तो विनती करना हमारे लिए तेरे सुत प्रभु यीशु से अब मृत्यु के पल में भी निरंतर तू विनती कर माता पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे कि बाद में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है प्रणाम रानी दया की माँ हमारा जीवन हमारी मधुरता आशा तुझे प्रणाम हम हे भाग्य निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं हे हमारी माता कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा हे दयालु हे प्रेमय हे मधुर कुमारी मरिया हे परमेश्वर के पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रीस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे अनंत जीवन प्राप्त किया है हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुमारी मरिया के अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ भी सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी भी प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं हे परमेश्वर की पवित्र माँ जो विनती हम अपने सरोतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा आमीन पवित्र कुमारी मरिया की स्तुति विनती हे प्रभु हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया कर हे क्रिस्त हम पर दया कर हे क्रिस्त हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया कर हे क्रिस्त हमारी विनती सुन हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर स्वर्गवासी पिता ईश्वर हम पर दया कर पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कुवारियों की पवित्र कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर क्रिस्त की माता हमारे लिए प्रार्थना कर कलीसिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर करुणा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर ईश्वरीय कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर आशा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कर अछूती माता हमारे लिए प्रार्थना कर निष्कलंक माता
हमारे लिए प्रार्थना कर। योग्य माता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर। सम्मति की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। सृजनहार की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। बचाने हारे की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। आदर योग्य कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर। स्तुति योग्य कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर। शक्तिमान कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर। दयालु कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर। ईमानदार कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर। न्याय के दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रज्ञा के सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे आनंद की जड़ हमारे लिए प्रार्थना कर। आत्मिक पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर। आदर के पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर। भक्ति के उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर। आत्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर। आदिदांत के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर। सुनहले घर हमारे लिए प्रार्थना कर। विधान की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर। भोर के तारे हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों के स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर। पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रवासियों की सांत्वना हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों के दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पुरुषों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आगम कहने वालों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म गवाहों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। गोहू गवाहों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। वारियों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि पाप रहित गर्भ में प्रविष्ट रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उत्क्रहित रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। परिवारों की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की रानी हमारे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे परमेश्वर के पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें हे प्रभु परमेश्वर कृपया मैं अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रताप या नित्य कुवारी मरिया की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमेन। याद कर विनती हे परम दयालु कुवारी मरिया याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुवारियों की कुवारी हे मेरी माँ इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द के माँ मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर दया से उनको सुन और पूरा कर आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को दोहराएं। स्तोत्र 18 प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे उसके नथनों से धुआं उठा। भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा
उसके चरणों तले घोर अंधकार था। वो केरूब पर सवार होकर उड़ गया। पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने बाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु, तेरी धमकी की गर्जन से, तेरी क्रोध भरी फुंकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनिंद्य के लिए अनिंद्य। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को अलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल पर कूद पड़पता हूँ। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग अदोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। तू मुझे अपनी विजय ढाल देता है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूँ और वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तू युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूँ। वे पुकारते तो हैं, किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं, किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों के कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तू मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था, वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं, वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं।
विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। आमीन।